मथुरा वार्ड नंबर 11 के बादगांव में रविवार को 200 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य शुभारंभ पार्षद शकुंतला देवी और प्रतिनिधि देवेंद्र ठाकुर ने विधिवत रूप से नारियल फोड़कर किया। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा 200 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क टॉप मोहल्ला गुलाब सिंह के मकान से चीतर सिंह के मकान तक किया जा रहा है। दौरान काफी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। पार्षद प्रतिनिधि देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि करीब 20 साल से सड़क खराब पड़ी थी, स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती थी, वहीं महिलाओं को मंदिर जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती थीं। अब सड़क बन जाने से सभी को सुविधा होगी। इस दौरान पार्षद शकुंतला देवी, प्रतिनिधि देवेंद्र सिंह, रोहतान सिंह नेताजी, गुलाब सिंह, बाली ठाकुर, पिंकू ठाकुर, आशीष भाई, गिरदारी लाल, मनमोहन गुप्ता, सोनू भाई आदि मौजूद रहे। बन रहा है रोड, ये कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? ये बन रहा है ठाकुर गुलाब सिंह के मकान से ठाकुर चितर सिंह के मकान तक टॉप मोहल्ले में। इतना कार्य किया गया है? इसकी लंबाई लगभग रास्ते की 3.5 मीटर चौड़ाई है और लगभग 150 मीटर इसकी लंबाई है। और कितना कार्य हुआ? और इससे पहले हमारे वार्ड नंबर 11 में कम से कम 12 सड़क इंटरलॉकिंग सड़क बन चुकी हैं और ये हमने अभी उद्घाटन किया है इसका, ऑक्सीजन पार्क का। और इसके बाद प्राथमिक विद्यालय के लिए हमने जगह चयनित कर रखी है और बहुत ही जल्दी उसका, मतलब हमारी पार्षद महोदय श्रीमती शकुंतला देवी बहुत जल्दी उसका भी शिलान्यास करेंगी जी। ये रास्ता जो हम बना रहे हैं टॉप मोहल्ले का, इस रास्ते की इतनी स्थिति खराब थी कि पिछले 20 सालों से इतनी कीचड़ थी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी मतलब बिगड़ जाते थे। आने जाने में बड़े बूढ़े बुजुर्गों को भी बहुत काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। और ये मंदिर के पास में ये रास्ता है, सुबह शाम महिलाएं भी जाती हैं, बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। आज पूरा मोहल्ला, पूरी महिलाएं, पूरे बुजुर्ग बहुत मतलब खुश हैं इस कार्य से।